हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। तो दोस्तों जो है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो है इंडक्शन के बारे में कि अगर आप इंडक्शन लेना चाह रहे हैं घरेलू यूज के लिए या अपने शॉप पे बेचने के लिए तो आपको जो है इंडक्शन खरीदते समय जो है किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, मतलब उसकी क्या क्या खूबियाँ आपको जो है देखनी चाहिए कि ये खूबियाँ उसमें हैं कि नहीं है, यही सारा कुछ जो है आज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इंडक्शन लेते समय जो है आपको जो है पुश बटन जो है इंडक्शन लेना चाहिए या टच बटन लेना चाहिए, और अगर इंडक्शन लेना चाहिए तो कितने वाट से कितने वाट तक का लेना चाहिए, और इंडक्शन की जो है मतलब इंडिया वाइज जो है 5 जो है बेस्ट जो है मॉडल इंडक्शन का जो है मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो है 5 जो बेस्ट मॉडल हैं उनके बारे में भी। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी आप लोगों के लिए नॉलेजफुल होने वाली है, जो भी न्यू शॉप वाले हैं और ओल्ड शॉप वाले हैं दोनों लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि इंडक्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सभी लोगों को पता नहीं होती है। तो इसी वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को बीच में जो है स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप करके गए तो बहुत सारी जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है आप छोड़ देंगे और बाद में उसकी वजह से प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर जो है आप इन बातों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं और किसी भी मॉडल का जो है इंडक्शन उठा के ले कर चले आए या घर पर यूज करने के लिए या सेल करने के लिए, अगर घर पर यूज करने के लिए आए हैं तब भी जो है वो इंडक्शन में अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप कहेंगे यार लगता है मैं गलत प्रोडक्ट जो है चूज कर लिया, गलत मॉडल लेके आ गया, ठीक है, या कस्टमर को आप बेच दिए तो वो भी जो है उसके वहाँ भी ख़राब होगा तो वो भी आपसे कंप्लेन करेगा कि भैया आपने जो है जो सामान दिया था आपने अच्छा नहीं दिया, वो साला चला नहीं, ख़राब हो गया इतना जल्दी। तो दोस्तों भले ही आपने इंडक्शन को खुद नहीं बनाया है लेकिन फिर भी कस्टमर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है कि ये मुझे जो सामान देंगे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का देंगे, बेहतर देंगे। तो इस वजह से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंडक्शन के बारे में जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी चीज़ें जो है आप अच्छे से जो जान लें समझ लें कि आपको इंडक्शन खरीदने में आसानी रहे और आप इंडक्शन को जो है मतलब एक अच्छे क्वालिटी का इंडक्शन अपने ग्राहक को दे पाए। तो जैसा कि दोस्तों जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास इस टाइम है ये लेजर का जो है 1800 वाट का इंडक्शन, ठीक है, ये लेजर का मॉडल नंबर है LIC V2 शायद जो है आपको नज़र आ रहा हो, आपने देखा जो है ये लेजर का कुकर है LIC V2 1800 वाट, मतलब कि और इसकी जो स्विच है ये जो है पुश बटन में है और इस पर आप ये देख सकते हैं कि 100 वाट 400 वाट 800 वाट 1200 वाट 1800 वाट, मतलब लास्ट 1800 वाट जो है इस पर आप इसको हीट कर सकते हैं। हीट का मतलब ये हीट नहीं होता है, इसके अंदर जो है मैग्नेट बनता है, वो मैग्नेट से जो है इसका जो है जो बर्तन होता है वो स्पेशल जो है इसका बर्तन होता है वही जो है सिर्फ इस पर काम करेगा, वो स्टेनली करके जो है बर्तन होता है मटेरियल का होता है और कुछ इस पर लोहे का भी जो है बर्तन चल जाता है, इस पर एलुमिनियम का और स्टील का और तांबे का, ये सब बर्तन इस पर नहीं चलता है, जब भी चलेगा तो स्टेन का जो है और लोहे का, और वो भी जो है समतल होना चाहिए, मतलब जैसा कि ये समतल है उसी तरह से वो भी समतल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर लगा होता है इसके अंदर एक कापर की प्लेट लगी होती है उसमें जो सेंसर लगा होता है वो जब बराबर होता है तभी जो सेंसर काम करता है। तो ये तो चीज़ें जो है मैं बता दिया कि मतलब ये यूज कैसे होता है, बाकी इसमें जो है सारी बटने दिए हुई हैं टेम्परेचर सेट वगैरह करने के लिए, प्लस जो है प्रेशर वगैरह के लिए, वाटर के लिए, वाटर गर्म करने के लिए, टी गर्म करने के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है कि मतलब आपको जो है इसका फंक्शन वगैरह बता दिया गया है कि क्या चीज़ कैसे जो है कब यूज करना है, कितने टेम्परेचर पे यूज करना है, ठीक है। बाकी इसका जो है मैनुअल कार्ड भी इसमें जो है उससे भी आप पढ़ के जो समझ लेंगे। हाँ, तो अभी तो मैं लेजर के बारे में बता दिया कि इसका मॉडल क्या है और कितने वाट का है। तो दोस्तों जो है हमें जो है इंडक्शन लेते समय जो है ये हमें ध्यान देना चाहिए कि इंडक्शन जब भी हम लें तो हमें जो है ये पुश बटन लेना चाहिए, टच बटन नहीं लेना चाहिए। टच बटन थोड़ा देखने में शोबाजी में होता है, खूबसूरत तो होता है लेकिन उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होता है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आने की ज़्यादा चांस होती हैं, ठीक है। और वाट हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1000 से जो है 1600 वाट तक के ही इंडक्शन लेने चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आप जो है खाना बनाने के लिए कुक के लिए अगर जो है इंडक्शन लेने जा रहे हैं
तो या कस्टमर को दे रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट से 1600 वाट तक का ही इंडक्शन बेचें, क्योंकि उससे ऊपर का इंडक्शन आता तो है लेकिन उससे ऊपर का इंडक्शन जो है मतलब 2000 वाट का लेंगे तो महंगा भी पड़ेगा, 1800 वाट 2000 वाट ये सब जो है कास्टली भी आएगा और प्लस इनमें जो है खाना जो है जल्दी जो है जलने का चांस होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब हर व्यक्ति को नहीं पता होता, तो इसी वजह से एक हमारे जो सब्सक्राइबर जब हमें कमेंट करके जो है बोले समर से, तो मैं सोचा कि जो है ये सही पॉइंट है, इस पर भी मुझे वीडियो बना देना चाहिए, और वो कई बार बोल चुके थे तो मुझे लगा कि बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता नहीं होगा। तो ये तो हो गया जो है मतलब कितने वाट का लेना चाहिए वो भी बता दिया, और प्लस जो है कौन सा मॉडल लेना चाहिए ये भी बता दिया, मतलब पुश बटन लेना चाहिए या टच बटन लेना चाहिए ये भी आपको बता दिया कि पुश बटन हमेशा लेना चाहिए, टच बटन नहीं लेना चाहिए, और वाट में जो है 1000 वाट या लेना चाहिए या 1000 या 1300 या 1600 या 1500 इतना तक का ही जो है आपको लेना चाहिए, और इतने तक के जो है आपके जो इंडक्शन होते हैं तो ये 1600 1800 2000 इतने तक आ जाते हैं, उसके ऊपर जब जाएंगे 1800 वाट और प्लस जो है 2000 वाट तो ये सब 2900 3200 इस हिसाब से मतलब उसका रेट जो है बढ़ जाता है। अब बाकी जो है इंडिया वाइज 5 जो है बेस्ट मॉडल जो है इंडक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों नंबर 5 पर जो है हैवेल्स इंस्टा कुक क्विट, इसमें जो है पुश बटन कंट्रोल है और 1200 वाट का ये है, और इसकी जो है MRP है जो है 3095, और ये आपको जो है मार्केट में जो है मिल जाएगा 2299 रुपये का। तो आप दुकानदार हैं आप समझ सकते हैं, ये जो है मैं कस्टमर रेट बताया हूँ, दुकानदार का रेट नहीं बताया हूँ, आपको जो है अलग रेट मिलेगा, बाकी कस्टमर का जो है रेट ये 2299 रुपये है, ये मॉडल हैवेल्स का इंस्टा कुक क्विट। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा बजाज का स्प्लेंडिड मॉडल, ये भी जो है 1200 वाट का है और कॉपर कॉयल है, 4 घंटा जो है इसका जो है रिस्टार्ट सिस्टम है, प्लस जो है पुश बटन कंट्रोल ये भी है, और उसके बाद इसकी MRP जो है 2750 रुपये है, और ये आपको जो है मार्केट में मतलब जो है मार्केट का मतलब ये आप इतने में 1800 रुपये में ये ग्राहक को बेच सकते हैं, ठीक है, इसकी 1 साल की जो है वारंटी है। उसके बाद आपका उषा का जो है IC 3616, ये भी आपका जो है इसमें ये जो 1600 वाट का है और ये भी पुश बटन कंट्रोल है और 1 साल की गारंटी इसकी भी है, MRP इसकी 3449 है और 1899 रुपया जो है इसका जो है मतलब रेट है कस्टमर रेट। और उसके बाद जो आएगा प्रेस्टीज PIC 20, ये जो है आपका 1200 वाट का है और इसमें भी पुश कंट्रोल बटन है और MRP इसकी है 3199 और इसका जो है कस्टमर रेट है 1899 रुपया। उसके बाद पहले नंबर पे आ जाएगा बजाज ICX 130, ये अपने शॉप पे जो है बजाज IC 130 और उषा IC 3616 ये दोनों मॉडल में बेच चुका हूँ और लेजर का मैं आपका दिखाई दिया, तो ये 5 में जो है ये सबसे पहले नंबर पे। तो दोस्तों बजाज IC X 130 जो है मॉडल ये सबसे पहले नंबर पे है, इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ लो वोल्टेज की प्रॉब्लम होती है वहाँ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चलता है और जहाँ हाई वोल्टेज होता है वहाँ भी बहुत ही बढ़िया से ये काम करता है। तो ये 1300 वाट का है और इसका जो है MRP है 2850 और मार्केट रेट इसका जो है 1999 रुपया। तो दोस्तों ये तो जो है मैं इंडिया वाइज जो है 5 टॉप मॉडल जो है मैं बता दिया कि कौन कौन सा है और उसकी क्या जो है MRP है और क्या ग्राहक की प्राइस है, तो आप समझ गए होंगे। और लेजर का मैं पहले ही दिखा दिया था, लेजर का भी क्वालिटी अच्छा है और सस्ते में मतलब बेस्ट क्वालिटी वो भी है, उसका मॉडल भी मैं बता दिया हूँ।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारा कुछ जो है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगला जो है वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ इसी तरह से कमेंट करके आप मुझे ये भी बताएं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। और चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर लें। तो फिर मिलेंगे जो है न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।